क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपने आगे देखा कि इंस्टाग्राम पे कुछ इस वाले सॉन्ग में बहुत ही वीडियो वायरल हो रहे हैं, ट्रांजिशन वीडियो, लिपसिंग वीडियो, जो भी इस वाले सॉन्ग में जो भी वीडियो डाला है सभी के वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए यहाँ पे फोटो भी ट्रांजिशन वाला वीडियो आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, जो कि आपने प्रीव्यू में देखा। अगर आप भी इस तरह का वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हो तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले VN ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। अगर आप इस वाली ऐप से सिमिलर ऐप को यूज करते हो, काइन मास्टर, वीटा, कैप पर, अगर आप इस तरह की ऐप को भी यूज करते हो तो आपको सबसे पहले उस वाली ऐप को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है जिसको आप यहाँ पे यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं चलिए VN ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टैप करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज में चले जाना है और यहाँ पे आपको टोटल 5 इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो वाली इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेना जिसको आपको यहाँ पे वीडियो को स्टार्टिंग में रखना है। ओके, जिसको आपको जिस इमेज को आपको यहाँ पे मोशन करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप अच्छा वाला इमेज है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 5 इमेज को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आपको इसे कलर 9.60, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा रेशियो यहाँ पे 9.60 होगा। ओके, उसके बाद आपको इन सभी इमेज को यहाँ पे फुल स्क्रीन में आपको अप्लाई कर देना होगा, जो भी यहाँ पे जो छोटे छोटे इमेज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा इमेज है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा और यहाँ पे आप फिट वाला आइकन को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको टैप करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में अपलोड हो चुका है। ओके, और हमारा दूसरा इमेज तो यहाँ पे फुल स्क्रीन में। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है एक्स्ट्रा उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना होगा, तो उसके लिए आपको टैप करना और आपको इसे डिलीट करना है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो साउंड वाला आइकन दिख रही है यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे आपको टैप करना है, म्यूजिक पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पर वीडियो पर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो पे टैप करना है जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। और अगर आपको इस वाले वीडियो को डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वीडियो पे हम टैप करते हैं, डन करते हैं और यहाँ पे आपको न्यू एल्बम पे टैप करना है और आपको वापस न्यू एल्बम पे टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट वाले ऑडियो वो हमारे वीडियो का साउंड है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है और आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ऑडियो वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ओके, तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट वाला इमेज वहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे इसे स्लाइड करके यहाँ पे इसे पूरा बढ़ा लेना। ओके, जितना सके 18 सेकंड तक आपको इसे रख लेना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो साउंड है उसको आपको यहाँ पे बढ़ा देना पूरा, तो यहाँ पे मैं जो साउंड है इतना सही। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे साउंड पे टैप करना और आपको यहाँ पे बीट पे चले जाना है, तो यहाँ पे आपको बीट पे आ जाना है और यहाँ पे मैं जो जो आपको बीट मार्क दे रहा हूँ उसको आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर लेना होगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएगा इस। तो यहाँ पे हमारा पहला बीट मार्क है 10.44। ओके, होगा तो चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चले इसे बीट करता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमारा दूसरा बीट मार्क है 11.49। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चले सभी बीट मार्क को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको टोटल 4 बीट मार्क को यहाँ पे अप्लाई करना होगा जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना होगा और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला इमेज वहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला बीट मार्क है वहाँ पे आ जाने के बाद आपको इसे स्प्लिट कर लेना है, तो उसके बाद हमारा जो बैक वाला इमेज है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है और आपको इन सब इमेज को यहाँ पे बीट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं चलिए इसे इतना से रखता हूँ। ओके, इसे बढ़ा देंगे इतना बस इतना होगा, थोड़ा बढ़ा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो बीट मार्क है जो इमेज स्प्लिट वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे चले जाना होगा और यहाँ पे आपको जो घेरे वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टैप करना है, तो आपको स्टॉक पे टैप करना है और यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेना है, तो आपको ये वाला वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं चले आपको इस वाले वीडियो को आपको यहाँ टैप करना है, तो यहाँ पे आपको वीडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है 4.20 सेकंड पे आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पे 4.20
ड्यूरेशन आपको यहाँ पे आ जाना है, ओके, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आपको इसे स्प्लिट कर लेना है और यहाँ पे आपको आगे चले जाना है और जहाँ पे हमारा जो ब्लिंक वाला वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको इसे स्प्लिट कर लेना होगा स्पीड, और आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट उसको आपको यहाँ पर डिलीट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे जो हमारा प्लस वाला आइकॉन है, ओके, सेकंड वाला, यहाँ पे यहाँ पे मैं जो ब्लैक वाला एनिमेशन उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पे आगे चले जाना और यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला है प्लस वाला आइकॉन वहाँ पे आपको टैप करना है। और यहाँ पे व्हाइट वाले आपको यहाँ पे व्हाइट वाले एनिमेशन को यहाँ पे करना होगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला प्लस वाला आइकॉन था वहाँ पे आपको आ जाना और यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला वीडियो है ब्लैक बैकग्राउंड वाला वीडियो उसको आपको यहाँ पे स्प्लिट कर लेना, ओके, और आपको इसे डिलीट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो पे टैप करना और यहाँ पे आपको स्लाइड करना होगा और यहाँ पे आपको जो ब्लेंडिंग वाला आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इसकी कैपेसिटी को इसे कम कर लेना होगा। तो आपको इसे कर लेना है 62, ओके। और तो मैं चले इसे इतना सर रखते होगा 62, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मोशन वाला आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको फेड वाले एनिमेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके, इन पे फेड। और आप और आपको यहाँ पे आउट पे भी यहाँ पे फेड वाले एनिमेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देना, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज है तुम जो तुम्हें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर वाली वीडियो उसकी वॉइस को आपको यहाँ पे कम कर लेना है। यहाँ पे चलिए हम कम कर लेते, ओके। तो यहाँ पे चलिए हम इस वाली वॉइस को यहाँ पे कम कर लेते, उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला इमेज पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको जो एफेक्ट वाला आइकॉन दिख रहा है ओके यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको स्लाइड करना होगा और यहाँ पे आपको जो जीटर डन वाला इफेक्ट है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर लें, ओके। यहाँ पे इसे पूरा बढ़ा लें, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लें। तो आपको इस तरह से ये जो हमारे लास्ट वाले फोर इमेज है वहाँ पे आपको इस वाले इफेक्ट को जीटर डन इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं चलिए इसे ये वाले इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसे बढ़ा लूँगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर लें और यहाँ पे मैं वापस से सेकंड वाले इमेज पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको स्लाइड करना होगा और यहाँ पे आपको स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे जो जूम वाला आइकॉन दिख रहा है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको जूम इन वाले एनिमेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको सेकंड वाले इमेज पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको जूम आउट अप्लाई करना है। उसके बाद आपको थर्ड वाले पे टैप करना है जूम इन, लास्ट वाले पे आपको कर लेना है जूम आउट, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना, ओके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है और तो यहाँ पे आपको मोशन इमेज वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको इस इमेज पे आपको यहाँ पे टैप करना होगा और यहाँ पे आपको जो क्रीप फ्रेम वाला आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे आपको सबसे पहले आगे आ जाना है और यहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है क्रीप फ्रेम वहाँ पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो क्रीप फ्रेम है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा, ओके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है 0.98 सेकंड तक आपको यहाँ पे आगे आ जाना, ओके। तो यहाँ पे आपको एक क्रीप फ्रेम लगाना, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है, यहाँ पे आपको 1.96 है आपको यहाँ पे क्रीप फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई करना, ओके। तो यहाँ पे भी हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना है 3.42, ओके। तो यहाँ पे आपको 3.42 टाइम ड्यूरेशन पे आपको आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्रीप फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई कर देना, ओके। तो यहाँ पे हमारे ये काम होने के बाद आपको यहाँ पे वापस इमेज पे टैप करना है और क्रीप फ्रेम को आपको बीच में आपको आ जाना, ओके। और यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे छोटा बड़ा आप जितना चाहे वो आप यहाँ पे रख सको। तो यहाँ पे मैं चलिए इसे याद रखूँगा, ओके। इसमें थोड़ा स्लाइड रखूँगा, ओके। इसमें इधर रखूँगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा बड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक कर लेना और यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे कुछ नहीं करना और यहाँ पे हमारा जो सेकंड बीट मार्क उसके आपको आगे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिस पे आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको क्रीप फ्रेम लगाना, ओके, ओके। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा दूर लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसे ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे इतना करूँगा, ओके। यहाँ पे लगाऊंगा थोड़ा बड़ा और यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना है। तो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। तो फिर मैं चलिए वीडियो को आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो यहाँ पे किस तरह से एडिट हो चुका है, ओके। क्या चीज़ है तुम जो तुम्हें मालूम नहीं है। यहाँ पे अपने वीडियो को देख लिए, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला इमेज है यहाँ पे हमारा जो बीट मार्क जो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हिल चुका है, तो यहाँ पे इस वाले इमेज पे तो आपको इस वाले इमेज पे आपको यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे आपको इसे छोटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसे छोटा कर लें, ओके। तो अब मैं आपको एक बार वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पे वीडियो किस तरह से एडिट हो चुका है, ओके।
तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे परफेक्ट तरह से यहाँ पे एडिट हो चुका है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।